ऑटो जनरेशन ऑफ ईवे बिल। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम ऑटोमेटिकली ईवे बिल जनरेट करने के बारे में जानेंगे। ऑटोमेटिकली ईवे बिल जनरेट करने पर जब आप पोर्टल से जो आपको ईवे बिल नंबर मिलेगा वो भी ऑटोमेटिकली वाउचर्स में अपडेट हो जाएगा। इससे पहले जो हमारा मैनुअल वे था ईवे बिल जनरेट करने का, थोड़ा सा टाइम टेकिंग एंड टीडियस प्रोसेस था, जिसमें कि आपको जेसन फाइल जनरेट करनी पड़ती थी, उसे आप पोर्टल पे अपलोड करते थे एंड देन जो ईवे बिल नंबर जनरेट होता था उसे वापस वाउचर में अपडेट करते थे। ऑटोमेटिक ईवे बिल जनरेशन से एकदम क्विकली एंड सिंपली आप ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं एंड जो भी ईवे बिल नंबर जनरेट होगा वो भी वाउचर्स में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यह फीचर केवल स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज एडिशन में अवेलेबल है एंड वह भी तब जब आपके पास एक्टिव विजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन है। यानी कि स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज एडिशन में यदि आप काम कर रहे हैं विद एक्टिव विजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन तो आप ऑटोमेटिक ईवे बिल जनरेशन फीचर यूज कर सकते हैं एंड एकदम क्विकली अपने ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ईवे बिल जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन, जीएसटी वैट टैब में गए। यहाँ पे ईवे बिल रिक्वायर्ड फील्ड में यस स्पेसिफाई किया एंड कॉन्फ़िगर बटन क्लिक किया। कॉन्फ़िगर बटन क्लिक करते ही ईवे बिल कॉन्फ़िगरेशन विंडो अपीयर हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो जनरेशन ऑफ ईवे बिल एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है एनेबल ऑटो जनरेशन ऑफ ईवे बिल, इसमें आप यस स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद ईवे बिल जीएसपी यूजर आईडी एंड ईवे बिल जीएसपी पासवर्ड, ये दोनों ही आप गवर्नमेंट के पोर्टल ewebill.nic.in से जनरेट करेंगे। ध्यान रहे ewebill.nic.in पे जब आप लॉगिन करते हैं जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप बताते हैं वो आपका जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं है, ये बिल्कुल ही सेपरेट है, इसे हम जनरेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं कि कैसे आप जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम वेबसाइट ewebill.nic.in पे गए, लॉगिन किया, अपनी यूजर आईडी पासवर्ड बताई। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में फॉर जीएसपी ऑप्शन में हम गए। यहाँ पे पोर्टल ने शो कर दिया आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। यहाँ पे आप सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है जो यहाँ स्क्रीन पे शो हो रही है, इन पे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। देखिए यहाँ पे एक मैसेज भी आ गया कि ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी, ओके बटन प्रेस करिए एंड जो भी आपको ओटीपी रिसीव हुआ है वो यहाँ पे एंटर कीजिए एंड वेरीफाई ओटीपी बटन पे क्लिक करिए। नेक्स्ट आपकी रजिस्टर योर जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर ये स्क्रीन नजर आएगी, इसमें एड न्यू बटन पे आप क्लिक करें। यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है जीएसपी नेम की। काफी सारी ऑप्शंस इस लिस्ट में नजर आ रही हैं। आपको यहाँ पे वेप्टल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे वेप्टल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ऑप्शन को ही आपको सिलेक्ट करना है एंड देन यूजर नेम एंड पासवर्ड आप बताएंगे, जो भी आप जीएसपी यूजर नेम बताना चाहते हैं वो बताएंगे, पासवर्ड बताएंगे, री एंटर करेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड कन्फर्म करने के लिए एंड देन एड बटन आप क्लिक करेंगे अपना जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। ये जो जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपने बताया है ये अब आप बिजी में वापस अपडेट करेंगे। देखिए स्क्रीन पे आ गया लिस्ट ऑफ जीएसपी रजिस्टर्ड, इसमें जीएसपी नेम, वेप्टल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है, आपका जीएसटीआईएन, यूजर नेम, स्टेटस, रजिस्टर्ड बाय, सारी डिटेल्स आपको नजर आ रही हैं। तो ये जो आपका जीएसपी जो है अब रजिस्टर हो गया है, तो जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपने स्पेसिफाई किया था वो अब बिजी में आप स्पेसिफाई करेंगे ईवे बिल जीएसपी यूजर आईडी में एंड ईवे बिल जीएसपी पासवर्ड में, ये दोनों ही डिटेल्स आप स्पेसिफाई करेंगे ऑटोमेटिकली ईवे बिल जनरेशन को कन्फिगर करने के लिए एंड ओके बटन प्रेस करेंगे इस कन्फिगरेशन को सेव करने के लिए। बहुत ही सिंपल सी कन्फिगरेशन है, जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको बताना है, दैट्स इट। अब हम अपना वाउचर एंटर करेंगे। इसके लिए हम ट्रांजेक्शन सेल्स एड ऑप्शन में गए, सेल्स वाउचर हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, हेडर से जुड़ी डिटेल्स बताई, आइटम डिटेल्स बताई, बिल सन्ड्री आपने बताई, सेव बटन प्रेस किया तो देखिए ट्रांसपोर्ट डिटेल्स विंडो यहाँ अपीयर हो गई। इसमें आप अपने ट्रांसपोर्ट से जुड़ी डिटेल्स बताएंगे, ट्रांसपोर्टर नेम, GRRR नंबर, व्हीकल नंबर, स्टेशन टू प्लेस की कहाँ पे आपको ये गुड्स डिलीवर करने हैं, ये सारी डिटेल्स आप बताएंगे। ईवे बिल नंबर की डिटेल यहाँ पे ब्लैंक रहेगी एंड ओके बटन प्रेस करेंगे आप इस ट्रांसपोर्ट डिटेल्स विंडो में जो भी डेटा है उसे सेव करने के लिए। नेक्स्ट बिजी ने आपसे पूछा ऑटो जनरेट ईवे बिल, जनरेट ईवे बिल फाइल, यस बटन क्लिक कीजिए एंड देखिए एक मैसेज बॉक्स अपीयर हुआ जनरेट ईवे बिल, इसमें आप ऑटोमेटिक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक लेबल भी अपीयर हो रहा है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम विद ऑटोमेटिक ऑप्शन जनरेट जेसन फाइल एंड अपलोड टू पोर्टल। इन केस कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम आती है ऑटोमेटिक ऑप्शन यूज करके ईवे बिल जनरेट करने में, वैसे बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा, लेकिन इन केस कोई प्रॉब्लम आती है नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से या फॉर एनी रीजन, तो आप यहाँ पे जेसन बटन को क्लिक करके जेसन फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसे देन आप पोर्टल पे अपलोड करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन अपियर हुई जिसमें कुछ डिटेल्स आप फिल करेंगे एंड ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करते ही ऑटोमेटिक ईवे बिल जनरेशन मैसेज बॉक्स अपियर हुआ जिसमें दो ऑप्शंस है, चेक पॉसिबल एरर एंड व्यू एंड जनरेट ईवे बिल। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप पहले एरर्स चेक कर लीजिए कि आपके डेटा में या वाउचर में कोई एरर्स तो नहीं है। आप इस बटन पे क्लिक करिए एंड बिजी आपको लिस्ट शो कर देगा यदि उसमें कोई एरर होगा एंड इनवैलिड डेटा फाउंड कॉलम में आपको रीजन भी नजर आ जाएगा। ब्लैंक आई है रिपोर्ट, दैट मींस आपके डेटा में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है डेटा। इसके बाद आप व्यू एंड जनरेट ईवे बिल बटन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ईवे बिल डिटेल्स विंडो, आप इसे एक बार देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपकी सारी ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, ट्रांजेक्शन डिटेल्स, सप्लायर डिटेल्स, रिसीवर डिटेल्स करेक्ट है एंड बॉटम में जनरेट ईवे बिल बटन को क्लिक करेंगे ईवे बिल जनरेट करने के लिए। देखिए ईवे बिल नंबर जनरेटेड आपका मैसेज बॉक्स स्क्रीन पे आ गया, इसमें ईवे बिल नंबर भी है, यही नंबर ऑटोमेटिकली इस वाउचर में अपडेट हो जाएगा। इसके बाद बिजी ने सेल्स इनवॉइस को प्रिंट करने के लिए पूछा। यस बटन प्रेस करते ही देखिए ये इनवॉइस आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, इसमें आप ध्यान से देखें तो ईवे बिल नंबर भी अपडेटेड है। तो कितना ही सिंपल एंड क्विक वे है वाउचर सेव करते ही बिजी ने पूछा ईवे बिल जनरेट करने के लिए एंड बटन क्लिक करते ही ईवे बिल जनरेट हुआ एंड नंबर वाउचर में अपडेट हो गया। अभी तक हमने बात करी जब हम वाउचर एंटर कर रहे थे एंड हमें ट्रांसपोर्टर डिटेल्स पता थी, लेकिन कुछ एक केसेस में जब आपको ट्रांसपोर्ट डिटेल्स पता नहीं होती या फिर आप बल्क में ईवे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए बिजी ने यूटिलिटी भी प्रोवाइड करी है। सिंगल वाउचर एंट्री के टाइम पे ट्रांसपोर्ट डिटेल्स यदि आपको पता है तो आप ऑटोमेटिकली वाउचर सेविंग पे ही ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मल्टीपल वाउचर्स के लिए ईवे बिल जनरेट करना चाहते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट डिटेल्स आपको नहीं पता है तो आप यूटिलिटी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप ट्रांजेक्शन्स में ही जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में ईवे बिल मैनेजमेंट ऑप्शन में जाएंगे एंड जनरेट ईवे बिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जनरेट ईवे बिल मैसेज बॉक्स अपीयर हुआ, अगेन इसमें हम ऑटोमेटिक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट वाउचर फॉर ईवे बिल विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे आप स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बता सकते हैं, यानी कि इस डेट रेंज के बीच के वाउचर्स जो हैं आपको व्यू करने हैं। फिल्टर ऑन एमसी यानी कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल सेंटर के आप वाउचर्स व्यू करना चाहते हैं तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सक्लूड वाउचर्स ऑलरेडी हैविंग ईवे बिल नंबर, यदि आप इस ऑप्शन को टिक करते हैं, एनेबल करते हैं तो जो वाउचर्स जिनके लिए ईवे बिल ऑलरेडी जनरेट हुआ है वो आपको नजर नहीं आएंगे। इसके बाद लोड लिस्ट बटन क्लिक करिए एंड लिस्ट ऑफ वाउचर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ गए। यहाँ पे आप बॉटम में अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स बटन को प्रेस करेंगे या फिर F4 की प्रेस करेंगे जिस वाउचर के लिए आपको ट्रांसपोर्ट डिटेल्स अपडेट करनी है। इस बटन को क्लिक करते ही देखिए ये विंडो अपीयर हुई, इस विंडो में आप ट्रांसपोर्ट से जुड़ी डिटेल्स अपडेट करेंगे। इसके बाद चेक ईवे बिल डिटेल्स बटन को क्लिक करेंगे, इस बटन को क्लिक करने पर ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है, इसमें डिटेल्स फिल करी, ओके बटन प्रेस करते ही चेक ईवे बिल डिटेल्स विंडो आपको स्क्रीन पर नजर आ गई। दोनों ही वाउचर्स के केस में कोई भी एरर नहीं है, आप ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने जनरेट ईवे बिल बटन पे क्लिक किया, ओके बटन प्रेस किया एंड ऑटोमेटिक ईवे बिल जनरेशन मैसेज बॉक्स अपीयर हुआ जिसमें हमने की प्रोसीड विद ऑटोमेटिक ईवे बिल जनरेशन बटन पे क्लिक किया। इस बटन को क्लिक करते ही ये देखिए दोनों वाउचर्स के लिए ईवे बिल जो है आपका जनरेट हो गया और आप देख सकते हैं दोनों ही वाउचर्स में ईवे बिल नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो गया। आप चाहें तो यहीं से इनवॉइसेस प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट इनवॉइस बटन को यदि आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप इनवॉइस को प्रिंट भी कर सकते हैं, ईवे बिल नंबर जो है इसमें नजर आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इधर आप वाउचर सेविंग पे ऑटोमेटिकली ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं एंड ईवे बिल नंबर वाउचर्स में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यदि आप बल्क में ईवे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो आप यूटिलिटी जो कि हमारी जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज सेक्शन के अंदर दिया गया है ट्रांजेक्शन के अंदर, उसको यूज करके आप मल्टीपल वाउचर्स के लिए भी ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली ऑटोमेटिक ईवे बिल जनरेशन ऑप्शन को यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।